दोस्तों, क्या होता अगर जम्मू कश्मीर एक अलग देश होता तो इसका दुनिया के सामने क्या स्टेटस होता? डेटा एनालिसिस के बिहाब पर जम्मू एंड कश्मीर की वर्ल्ड में आखिर क्या रैंकिंग होती और क्या ये दुनिया के तमाम देशों को टक्कर भी दे पाता या फिर नहीं? फिलहाल दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान तीनों ही कंट्रीज में डिवाइड है। बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर गिलगित बाल्टिस्तान एंड आजाद कश्मीर जो कि पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड है, अक्साई चीन जिसको कि चाइना ने कब्जा रखा है, और इंडियन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी में क्लासिफाइड है और इस पर पूरी तरह से इंडिया का कंट्रोल है। तो इस वीडियो में हम पूरे जम्मू एंड कश्मीर को कंसीडर करके चलेंगे। तो जम्मू एंड कश्मीर के पास अपना एक फ्लैग है जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है। अगर जम्मू एंड कश्मीर सेपरेट कंट्री होता तो यह फ्लैग इसका नेशनल फ्लैग बन जाता। जम्मू एंड कश्मीर में मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन इस्लामिक है, इससे तो क्लियर है कि यह एक मुस्लिम मेजोरिटी वाला देश ही होता, और यहाँ का सेकंड मेजर रिलीजन हिंदुइज्म होता, और यहाँ पर मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश होती। गाइस, एरिया वाइज देखा जाए तो जम्मू कश्मीर का एंटायर एरिया 225,655 किलोमीटर स्क्वायर की जमीन पर फैला हुआ है, जिसमें अक्साई चीन, इंडियन कश्मीर एंड POK का एरिया भी इंक्लूडेड है। ये एरिया वाइज दुनिया का 79th लार्जेस्ट कंट्री होता, जो कि वेस्टर्न सहारा से छोटा और गिनी, बांग्लादेश, साउथ कोरिया एंड नेपाल से साइज में बड़ा होता। जम्मू कश्मीर की कुल आबादी 1,70,00,000 की है, और हिसाब से जम्मू कश्मीर एक कम आबादी वाला देश होता और इसके पास कम ह्यूमन रिसोर्स होता। जम्मू कश्मीर पॉपुलेशन के मामले में लैटविया के बराबर होता और इसकी पॉपुलेशन रैंक पूरे वर्ल्ड में 152 होती। जम्मू कश्मीर के एंटायर GDP नियरली $50 बिलियन की है, जो कि वर्ल्ड का 93rd हाईएस्ट GDP रखने वाला रिचेस्ट कंट्री होता। इसकी GDP जॉर्डन की GDP के इक्वल होती और GDP पर कैपिटा $2,000 से भी ज़्यादा होता। दोस्तों, श्रीनगर एंड जम्मू जो कि जम्मू कश्मीर की कैपिटल सिटीज है और सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहर भी, या जम्मू कश्मीर की नेशनल कैपिटल्स में तब्दील हो जाते। जम्मू एंड कश्मीर दुनिया का एक लैंडलॉक्ड कंट्री होता, जैसे कि नेपाल एंड भूटान, जिसको कि ट्रेड करने में काफ़ी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। एक कंट्री बनने पर जम्मू कश्मीर को अपनी ऑफिशियल करेंसी एंड एक कंट्री पर होने वाले सभी रूल्स एंड रेगुलेशन अपनाने पड़ते। साउथ एशिया में आपको 8 की बजाय 9 देश दिखाई देते और इंडिया के मैप से कश्मीर गायब हो जाता। जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया का ताज कहा जाता है, लेकिन अलग देश बनने पर भारत से इसका ताज गायब हो जाता। साथ ही भारत के पास 8 की बजाय अब 6 ही यूनियन टेरिटरीज बसी। पाकिस्तान भी अपने 2 स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स को लूज कर देता। लास्टली गाइस, इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों ही कंट्रीज अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी पॉपुलेशन, एरिया एंड GDP को लूज कर देते। कश्मीर के पास सेवरल टूरिस्ट स्पॉट्स होते एंड टूरिज्म यहाँ की इनकम का मेन सोर्स होता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतने। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।